सत श्रीकाल जी, मैं गुरजतंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यू एस ए टी वी चैनल रियल स्टेट इन कैलीफोर्निया प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। दोस्तों, एक घर अजिही चीज़ है जो दुनिया में रेंदे हर जीव जंतु नूं जिसकी लोड़ पैंदी है। मनुखी जीवन में तो कुदरती है कि घर में रहने की लोड़ होगी, क्योंकि एक इंसान जिहड़ा हमेशा ही वो घर में रहिंदा, उहदा परिवार घर में रहिंदा, क्योंकि जोड़े जानवर वो भी एक घर बना के रेंदे आ, बहुते जोड़े आ। एक पंछी जोड़ा वह भी एक आलना कह लो वो बना के रेंदा। हर शख्स हर शख्सियत एक घर की लोड़ होंगी। आप कैलीफोर्निया रहने बहुत सारे लोग लंबा समा पहला इतने आए से, पर हूँ भी बहुत सारे लोग जोड़े आ वो हाले भी हर रोज़ जहाज़ों के जहाज़ भर के अमेरिका आ रहे हैं। साड़ी पंजाबी कम्यूनिटी जड़ी है वो कैलीफोर्निया विच पहुँच चुकी है। बहुत तुसी कोई एरिया ये नहीं देखोगे कि कित्थे पंजाबी नहीं है। हर शहर विच कई कई गुरु घर बन गए, मंदिर बन गए, मस्जिद बन गई। उत्थों जो देखते हैं हर वीकेंड पर कितनी भीड़ होती है। हर बारी सानू गुरु घर यह देखने मिलता कि लोग नवे नवे लोग जोड़े आ उत्थे आते हैं जिन्होंने असी जानते भी नहीं होंगे। ये इशारा करते हैं कि जी इमीग्रेंट्स लोग है वो हाले तक आ रहे हैं, तो आते रहने। इतने जदों बंदे आ जाते हैं, परिवार आ जाते हैं, तो उन्होंने सब तो पहला अपना कारोबार जोड़ा होंगे या नौकरी होंगी है या कोई काम करने लिए लोड़ पैंदी है। जदों वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, ला लो तीन चार साल बाद, उन्होंने एक घर की भी लोड़ होंगी है। पहला तो रेंट तो रही जाते हैं, पर मैं इत्थे ये गल पहला ही क्लीयर करदा, तुसी रेंट पर भावें सारी उम्र रही जाओ, तुसी जे अफोर्ड करते हो तो रेंट पर भी रहो, जे अफोर्ड करते हो तो घर भी लवो। हुण दोवां च फर्क की है, तुसी रेंट पर रह रहे हो, रेंट पर तुसी किराया दे जाने हो, एवरी मंथ किराया दे जाने, वो 30 दिन का या 31 दिन का किराया, वो तुहाडा घर अपना नहीं होगा कदे भी। घर लैण का फायदा की हुंदा, पहला तो आपां वो गल क्लीयर कर लीए। घर लैण का फायदा हुंदा, अज जे फर्ज किया घर लैने, फर्ज किया एक मैं एग्जाम्पल दिना भी 6 लाख का घर है, उस घर की तुसी किस्त दिने हो, किस्त उन्नी ही हुंदी है जिन्ना तकरीबन तकरीबन तुहाडे घर का रेंट। जे तुसी रेंट पर रह रहे हो वो तो पैसा गया, पर जे तुसी अपना घर लैने हो तो वो जिहड़ा पैसा उहदे विच कुछ प्रिंसीपल भी तुहाडा घटूगा, जिन्नी कीमत का घर लिया कुछ इंट्रस्ट जाऊगा, कुछ होर खर्चे होंगे, चलो लै दे के जिहड़ा ये है ये फायदेमंद सौदा हुंदा। इस घर राही तुसी एक इक्विटी पैदा करते हो, जिहड़ी भी प्रॉपर्टी तुसी लैने हो, फर्ज किया जिवें मैं कहा कि 6 लाख की उहदी प्रॉपर्टी की वैल्यू आ, वो घर तुसी 6 लाख का लै लिया, पर समय के नाल नाल वो घर की वैल्यू भी बदली है। जिथे तुसी उस घर का प्रिंसीपल घट करोगे उहदे नाल नाल घर की वैल्यू भी वधूगी। जे अज 6 लाख का घर लिया, हो सकता वो घर जिहड़ा 2 सालों या 3 सालों 4 सालों 7 या 8 लाख का हो जूगा। तुसी समझ गए होवोगे कि वह प्रॉफिटेबल काम हो गया तुहाडा। जिन्ना घर तुसी लेट लाओगे तुहानू भी महंगा मिलेगा, क्योंकि कीमतां जिहड़ियां हमेशा वो राइज़ करदियां। हुण इत्थे राइज़ करन दी कीमतां दी मैं गल थोड़ी जी क्लीयर करदा। अजकल जिहड़ा हुण आ समा जिहड़ा चल रहा, इहदे विच एक तरह का कह लो कि रिसेशन का काफ़ी जोर चल रहा, काफ़ी लोग जिहड़े आ वो फैला रहे आ कि गलबात के रिसेशन आ जाणा, रिसेशन आ जाणा, पर रिसेशन ना की कोई चीज़ नहीं दिखी हाले तक भी अमेरिका विच। एक रिसेशन आया सी 2008 दे विच, 2008 विच सिचुएशन होर सी, उदों लोकां कोल पैसा नहीं सी, लोकी प्रिपेयर नहीं सी रिसेशन का मुकाबला करन लई। अज दी डेट विच जिहड़ा जे लोकां नूं इह लगदा कि रिसेशन आ गया या आने वाला, उहदे विच कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी। लोगों ने बहुत सारा पैसा जिहड़ा वो अपने को पहला ही इकट्ठा करके रखे, चाहे वह बैंकों में चाहे घर, वो जड़ा है वो प्रिपेयर उस करके। आज की डेट में कोई भी तुसी इस तरह की सिचुएशन नहीं फॉलो करोगे कि बंदा कोई घर नहीं ले सकता।
ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ $10 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਾਊਟ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 30 ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, 25 ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, 35 ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾ ਲਓ 2021 ਜਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 6.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਔਫਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 6.5-6.5 ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਔਫਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2.2 ਜਾਂ 2.3 ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਘਰ ਲਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ 2.2 ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ 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 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, 5.4 ਜਾਂ 5.5 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰਸੈਂਟ। ਇਹੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1% ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਆ, 6-6.5% ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਣ 'ਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉਹ 6 ਲੱਖ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਡ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਘਟਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਗਈ ਆ,
उस करके जेड़े बिल्डर ने फर्ज किया 5.5 लाख का घर बनाया वो ये तो है नहीं भी उन्होंने उस घर को 5 लाख का घर लैके बेच दूगा उन्हें उहदे तो प्रॉफिट लेना चाहे वह 25,000 उत्ते लैंदा या 50,000 उपर लैंदा या वट एवर जिन्ना भी उन्हें मिथ्या होगा उन्हें उस घर से प्रॉफिट लैके घर बेचना। हुण जे आपां गल करदे आ इंट्रस्ट रेट की, इंट्रस्ट रेट जिहड़ा वह दिनों दिन वध रहा उहदे करके वह सिर्फ इस करके आ वी गौरमेंट ये चाहुंदी है थोड़ा जिहा इनफ्लेशन घट जाए। हुण नाल दी नाल ही मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा कई वारी साडे दिमाग च आउंदा भी हुण यार इंट्रस्ट रेट भी वध गया घरां दीआं कीमतां भी बहुत आ हल ही नहीं कर लैणा। ये दो गल्लां ये क्लिक करदियां साडे जिहड़े ऑडियंस आ जां साडे जिहड़े कलाइंट्स आ उन्हां नूं ये क्लिक करदियां वह तां करदियां भी पता नहीं कल नूं रेट घट जाणगे कल नूं इंट्रस्ट रेट घट जाणगे फिर सोचांगे। चलो मन लैने इस गल नूं मन लैने आ कि कल नूं रेट भी घट सकदा कल नूं इंट्रस्ट रेट भी घट सकदा। पहलां गल करदे आ रेट घटन बारे, जे एक प्रॉपर्टी का रेट घट जाता तुसीं जे अमेरिका की पिछली हिस्टरी देखो वो जे घटता भी है साल दो साल तीन साल बाद फिर वध जाता। मैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय तो रियल स्टेट के लाइन में हैगा 2005 का मेरा लाइसेंस है मैं 17-18 साल हो गए इस लाइन च बहुत सारे उतरा चढ़ाव मैं जोड़े आखे है तो जदों इनफ्लेशन आता कि फर्ज किया 6 लाख वाला घर वो घट के 5 या 4.5 तक भी चलिया जाता बाद 6 लाख वाला घर जरा मिलियन 1.5 मिलियन तक भी गए हैं। हुण जिहड़ा मैं एक एग्जाम्पल दिना तुहानूं एक घर मैं 2005 च 6 लाख का वेचिया सी उह घर बाद विच जो 2008 दा रिसेशन आया वह घर 4.25 लाख की उहदी वैल्यू रह गई। अज उह घर 1.5 मिलियन का घर आ वह लिस्ट करन लई मैनूं उहनां ने कहा भी हुण प्राइस बहुत ते इस करके असीं चंगा इहदे च प्रॉफिट लै जांगे। एक तो उन्होंने 16-17 साल उहदियां किस्तां भरतियां आलमोस्ट जिहड़ा वह घर आ वह पे ऑफ हो गया। जे वह अज 1.5 मिलियन का घर वेचते भी है जिहड़ा उन्होंने 6 लाख का लिया उन्होंने बैठे बिठाए 12-13 लाख डालर बचता है ज़्यादा भी हो सकता पर मैं एक एसटीमेट नाल तुहानूं मैं दस रहा कि इन्ना क प्रॉफिट उन्होंने सारे खर्चे कढ के हो सकता भी बच जाए। इस करके सियाणफ यह होंगी है नैवर लेट जे तुसीं अपने घर रहन वास्ते लैना हुंदा ना बहुता ज़्यादा सोचीदा नहीं उदों घर लै लईदा। उहदे विच इह हुंदा जे कल नूं आ भी जांदा रिसेशन घर जे 50-60 हज़ार जे मान लो भी जे घट भी गया बाद विच इह जिहड़ी इत्थों दी गौरमेंट आ उह कंट्रोल करदी आ उहदे विच इह हुंदा दुबारा फिर प्राइज जिहड़े आ उत्ते आ जांदे आ। मैं तरीके नाल तुहानूं समझाउण दी गल कीती आ मेरा ख्याल आ वी तुसीं इह सारा कुछ अपने पल्ले बन्नोगे। तुहाडे कोल रियल स्टेट बारे कोई भी सवाल होवे मैनूं तुसीं कॉल कर सकते हो 916-320-9444 मेरा रियल स्टेट नंबर हैगा 01490567 रियल स्टेट नंबर एक बार फिर मैं दस दिंदा 01490567 मेरा फोन नंबर 916-320-9444। मैं सिर्फ कैलीफोर्निया एरिए रियल स्टेट का काम करता क्योंकि मैं कैलीफोर्निया का लाइसेंस होल्डर हाँ। उम्मीद करता कि आज दी इस गलबात तो तुसी जरूर फायदा उठाया होगा। कदे भी तो मेरी लोड़ होवे रियल स्टेट किसी किस्म की भी चाहे वह घर की आ खेतों की आ होटल की आ मोटल की आ बिजनेस की आ कमर्शियल किसी चीज़ की भी लोड़ होवे मैनू कॉल करो। थैंक यू जी, धन्यवाद।